रविंद्र सरोवर द प्लेस ऑफ द ब्यूटी एंड द ड्रीम्स, वो जगह जो जानी जाती है कपल्स के लिए, वो जगह जहाँ लोग जाते हैं प्यार भरी बातें करने के लिए। लेकिन हम ठहरे सिंगल, न प्यार करने के लिए कोई, न प्यार भरी बातें करने के लिए कोई। गर्लफ्रेंड है अपना पैशन और लवजे है अपना कैमरा, दोनों लेके चला गया मैं वैलेंटाइन मनाने मेरा। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज मैं फिर से जाने वाला हूँ रविंद्र सरोवर। ओके सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, आज मैं फिर से सरोवर में आया हूँ। दिस इज रविंद्र सरोवर एंड जो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, पिछले बार आई कुडंट एक्सप्लोर एवरीथिंग बिकॉज सन वेंट डाउन बहुत अर्ली एंड इसके लिए मैं वहाँ तक गया था। एंड देन उसके बाद I was not able to explore the island which you can see there. काफ़ी ब्राइट सन है और काफ़ी ऊपर है, सो सन वाला शॉट्स मैं थोड़ा सा बात लूँगा। पहले लेट मी शो यू द ओवरव्यू। ओके सो फाइनली माई सेटअप इज़ रेडी। मैंने जो सिग्निक का लेंस लिया था, इट इज़ यूजिंग दिस फुटेज इज यूजिंग दैट। यू कैन सी हियर फॉलन लीव्स और इनको लेके आई एम गोइंग टू डू समथिंग, आई डोंट नो व्हाट बट समथिंग। यूवी की तरह शूट करने का कोशिश करूँगा लेकिन आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू दैट उतना प्रिसाइजली बिकॉज पिछले दिन मैं शर्ट पहन के आता और मैं आई वॉज हैविंग समथिंग टू टॉक ऑन द कैमरा बट टूडे आई डोंट हैव, सो लेट्स सी। I think I will be able to capture something unique from here. देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, मीन द कलर कॉन्ट्रास्ट एवरीथिंग, सो इसका एक शॉट लेता हूँ। टुक द फुटेज ऑफ सम ह्यूमन एलिमेंट्स क्योंकि दे गिव द वाइब ऑफ समथिंग मूविंग और यू गेट टू फील समथिंग सिनेमैटिक moody movements, so this is the thing behind every shot. Let's find something creative and shoot it. वैसे एक चीज़ बताऊँ, ये जो सरोवर है ना, दिस इज वेरी रोमांटिक टाइप एंड आई एम नॉट गोइंग टू गेट बोर्ड नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू कम हियर। पुराना बिल्डिंग देयर तो टूटा फूटा है एंड आई होप आई विल एबल टू टेक अप सम क्रिएटिव शॉट्स फ्रॉम हियर। दिस इज समथिंग यूनिक एंड सरोवर, यू कैन सी द लेक डाउन देयर एंड एवरीथिंग, बट वो तो सबको ही खींचते हैं ना, वहाँ पे फोटोज सबको ही खींचते हैं। यू नीड समथिंग यूनिक। यू कैन सी हियर ये जो रोड है एंड ऊपर में सन है, थोड़ा सा अगर मैं इसको प्लेस करूँ अच्छे से आई कैन गेट अ वेरी नाइस एंगल यूजिंग द लीडिंग लाइन्स। उसके बाद आई क्लिक सम ऑफ द बर्ड पिक जो वहाँ पे दिख रहे होंगे, यू कैन सी देयर। Squirrel there. Let me capture that. I'll take some of the flowers or the colored leaves जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इनको background में रख के कुछ creative करने की कोशिश कर रहा हूँ। And then I will take छोटा सा एक pathway है वहाँ पे, bridge दिख रहा होगा, and I will take that into account. Seeing it with naked eyes is
just feels awesome. Now I need to run to the एकदम starting gate in order to take the orange sun into account, क्योंकि वो बहुत अच्छा दिख रहा है एंड वहाँ से आई होप बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आएगा. So now, as you can see, I've done all the shooting and then now I also capture the sky. You can see there. Yeah, that's the orangey scale of the sky which I have captured, and that's all I have done. Now it's time to head back because sab kuch abhi khatam ho gaya and I don't think I'm gonna get anything better shot except this shot of a bird. I don't think I'm gonna get anything better because low light अभी low हो चुका है and low light कुछ अच्छे shots आएंगे लेकिन I have captured everything. So all the photos I captured now need to be processed heavily because my night sensor इतना अच्छा नहीं है. I need to process everything very well. So अभी इतना ज़्यादा shoot मैं करूँगा नहीं and I need to head back क्योंकि ये जगह आई गेस 6 बजे बंद हो जाता है. सो द सिक्योरिटी गार्ड्स आर क्रीपिंग टू टेक अस आउट. नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग यहाँ तक. एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट डाउन विच फोटो यू लाइक द मोस्ट. एंड टाटा बाय बाय. वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. सी यू.